नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सौंफ एक बहुत सुगंधित मसाला है और इसमें उड़नशील तेल पाया जाता है जो इसके औषधीय गुणों के लिए उत्तरदायी है। यह भोजन में एक विशिष्ट सुगंध लाता है जिसके कारण इसका अक्सर भारतीय खाने पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग खाना खाने के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं ताकि मुंह से दुर्गंध ना आए और खाना भी हजम हो जाए। सौंफ के बीज स्वाद में मधुर, किंचित कटु और तिक्त हैं। इनमें कई पोषक तत्व, खनिज और विटामिन हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। यह अपच को दूर करती है और इसका प्रयोग दस्त, पेट का दर्द और सांस की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। यह आंखों की समस्याओं में फायदेमंद है। यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी इसका प्रयोग अपने खाना हजम करने के लिए करते हैं। वो चबा नहीं सकते लेकिन सौंफ को पीस कर प्रयोग करते हैं और साथ में स्वाद के लिए मिश्री भी मिला सकते हैं। आइए आज हम आपको सौंफ के फायदे बताएंगे जो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाता है। सौंफ खाने से पेट और कब्ज की शिकायत नहीं होती। सौंफ को मिश्री या चीनी के साथ पीसकर चूर्ण बना लीजिए। रात को सोते वक्त लगभग 5 ग्राम चूर्ण को हल्के गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। पेट की समस्या नहीं होगी व गैस व कब्ज दूर होगा और ये एक बहुत ही आसान सा उपाय है। आंखों की रोशनी सौंफ का सेवन करके बढ़ाया जा सकता है। सौंफ और मिश्री समान भाग में लेकर पीस लें। इसकी एक चम्मच मात्रा सुबह शाम पानी के साथ 2 माह तक लीजिए। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। आप इसका सेवन सुबह और शाम करें। डायरिया होने पर सौंफ खाना चाहिए। सौंफ को बेल के गुदे के साथ सुबह शाम अजीर्ण समाप्त होता है और अतिसार में फायदा होता है। खाने के बाद सौंफ का सेवन करने से खाना अच्छे से पचता है। सौंफ, जीरा व काला नमक मिलाकर चूर्ण बना लीजिए। खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ इस चूर्ण को लीजिए। यह उत्तम पाचक चूर्ण है। खांसी होने पर सौंफ बहुत फायदा करता है। सौंफ के 10 ग्राम अर्घ को शहद में मिलाकर लीजिए। इससे खांसी आना बंद हो जाएगा और खांसी ठीक हो जाएगी। यदि आपको पेट में दर्द होता है तो भुनी हुई सौंफ चबाइए। इससे आपको आराम मिलेगा। सौंफ की ठंडाई बनाकर पीजिए। इससे गर्मी शांत होगी और जी मिचलना बंद हो जाएगा। यदि आपको खट्टी डकारें आ रही हो तो थोड़ी सी सौंफ पानी में उबालकर मिश्री डालकर पीजिए। 2-3 बार प्रयोग करने से आराम मिल जाएगा। ये एक बहुत ही कारगर नुस्खा है। हाथ पांव में जलन होने की शिकायत होने पर सौंफ के साथ बराबर मात्रा में धनिया कूट छानकर मिश्री मिलाकर खाना खाने के पश्चात 5 से 6 ग्राम की मात्रा में लेने से कुछ ही दिनों में आराम हो जाता है। अगर गले में खराश हो जाए तो सौंफ चबाना चाहिए। सौंफ चबाने से बैठा हुआ गला भी साफ हो जाता है और आपकी आवाज भी ठीक हो जाती है। रोजाना सुबह शाम खाली सौंफ खाने से खून साफ होता है जो कि त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे त्वचा में चमक आती है। सौंफ पेट की सूजन के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। सौंफ बीज चूर्ण आमतौर पर जठर शोध लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। यह गैस्ट्रिक एसिड का स्त्राव विनियमित करता है और शैल्शियम कला के शोध को कम करता है। इसलिए सुबह शाम सौंफ का सेवन करना चाहिए। अपच, अल्सर, अम्लपीत, खट्टी डकार, गैस और अन्य रोगों के उपचार के लिए सौंफ का प्रयोग उत्तम माना जाता है। यह पेट में तेजाब के स्त्राव को विनियमित करता है, उसकी तीक्ष्णता कम करता है, आमाशय शोष को दूर करता है और आमाशय दर्द को दूर करता है। सौंफ चयापचय क्रिया बढ़ाने में सहायक है। सौंफ वसा चयापचय को बढ़ावा देता है और अतिरिक्त चर्बी संचय से बचाता है। यह वजन कम करने में मदद करता है। यह खाना अच्छे से पचा देता है। तो दोस्तों, आप खाना खाने के बाद सौंफ खाने की आदत डाल लीजिए। यह बहुत ही फायदेमंद है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी ज्ञानप्रद लगी हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।